हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता एंड यू आर वाचिंग अंकिता क्लासेस. वेलकम बैक टू माय चैनल. सो आज हम क्लास सेवेंथ का चैप्टर फोर सिंपल इक्वेशंस कर रहे हैं. जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें. सो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले इस चैप्टर में हमें सिंपल इक्वेशंस पढ़ने हैं. अब सिंपल इक्वेशंस पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इक्वेशंस होते क्या हैं. एक्स प्लस सिक्स, दूसरी तरफ देती हूँ मैं, एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू फाइव. अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एक्स प्लस सिक्स लिखा है और जो मैंने एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू फाइव लिखा है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ओके, सो आप मेरे को बोलोगे कि आप यहाँ पे x प्लस सिक्स है और उस साइड में आपने इक्वल्स टू फाइव लगा दिया, बस बाकी सेम x प्लस सिक्स यहाँ पे है, x प्लस सिक्स वहां पर भी है, बट डिफरेंस जो है वो क्या है? इक्वल्स टू फाइव का. ओके, सो जो मेरी ये टर्म है सिंपल, जिसमें ना तो कोई इक्वल्स टू का साइन है, ना तो कोई लेफ्ट हैंड साइड है, ना तो कोई राइट हैंड साइड है, तो ऐसे टर्म्स को हम बोलते हैं एक्सप्रेशंस. ऐसे टर्म्स को हम बोलते हैं एक्सप्रेशंस. बट जिसमें आपके पास इक्वल्स टू का साइन आ जाए वो हमारी होती है इक्वेशंस. ओके, नाम से पता चला, देखो EQUA, मतलब कि इक्वेशंस के लिए इक्वल का साइन होना कंपलसरी है. और इस इक्वल की साइन के वजह से हमारी जो ये पूरी इक्वेशन है ये दो पार्ट में डिवाइडेड हो गई है. एक दिस साइड, अब ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड है तो इसलिए हम इसको बोलते हैं LHS, विच इज लेफ्ट हैंड साइड, और जो हमारा ये फाइव है ये हमारे कहां पर है? RHS, विच इज राइट हैंड साइड. ओके, सो आपको एक्सप्रेशन और इक्वेशंस में डिफरेंस समझ आया? जो हमारा एक्सप्रेशन होगा उसमें कोई इक्वल्स टू का साइन नहीं होगा, ठीक है? जैसे कि एक बार हम इसको देखते हैं, y प्लस टू, और वहीं पर ही मैंने लिखा y प्लस टू इक्वल्स टू थ्री. ओके, अब ये हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा एक्सप्रेशन, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन नहीं है, बट यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लग गया. इस इक्वल्स टू के साइन ने क्या करा? इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा होगा इक्वेशन. अब यहाँ पे एक्स एक्स वाई वाई, ये जितने भी लेटर्स हैं, ये ए टू जेड के बीच में जो भी आते हैं, ए बी सी डी जो भी हैं टिल जेड तक, सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं. ओके, मैथ्स में हम ए टू जेड तक जितने भी लेटर्स हमारे आएंगे उन सबको हम वेरिएबल्स बोलेंगे. तो तीन चीजें अभी तक हमने देखी, एक्सप्रेशन, इक्वेशंस एंड वेरिएबल्स. सो हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, जो कि हमारा सॉल्विंग एन इक्वेशन की. अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्विंग एन इक्वेशन की, हमें इक्वेशन हम सॉल्व कैसे करेंगे. ओके, मतलब इक्वेशन को सॉल्व करने का, इसमें हमें वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है. तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं. सबसे पहला तरीका है इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो है ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड ऑन बोथ साइड्स. अभी हम इनको डिटेल में देखेंगे. और जो दूसरा तरीका है वो है ट्रांसपोजिंग. ओके, सो जो हमारा सबसे पहला तरीका है एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड ऑन बोथ साइड्स, यानी आपको दोनों तरफ क्या करना है? या तो ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, बट बोथ साइड, दोनों साइड पे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. यहाँ पे बोथ साइड का मतलब क्या है? LHS एंड RHS. ओके, सो इक्वेशन में हमारे पास LHS और RHS साइड होती है,
सो आपको दोनों तरफ या तो सेम नंबर से आप ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे। दूसरा जो है हमारा ट्रांसपोजिंग, ट्रांसपोजिंग का मतलब इतना कुछ नहीं है, सिंपली क्या करना है हमें, ट्रांसफर करना है। ओके, यहाँ पे हमें नंबर्स या वेरिएबल्स को इधर से उधर, यानी LHS टू RHS और RHS टू LHS, हमें इसको मूव करना है, ट्रांसफर करना है। ओके, सो हम सबसे पहला जो हमारा है एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड ऑन बोथ साइड, हम सबसे पहले इस वाले तरीके को समझते हैं कि हमें क्या करना है। ओके, साइज 4.2 जो है उसमें हमें येले मेथड का यूज करना है और उससे हमें क्या करनी है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करते हैं और उसी में क्वेश्चंस में ये जो मेथड है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम अब क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करते हैं। अब एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या बोल रहा है, गिव फर्स्ट स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। यानी हमें इसमें क्या करना है, वेरिएबल वेरिएबल को सेपरेट करना है और इक्वेशन को सॉल्व करना है। ओके, सो क्वेश्चन से समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें इसमें दे रखा है वो है एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। ओके, अब x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, अब यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल क्या है, x। वेरिएबल्स क्या होते हैं, a टू z के बीच में जितने भी लेटर्स होंगे वो सारे हमारे वेरिएबल्स होंगे। अब यहाँ पे जो x है हमारे पास, वो हमारे पास है वेरिएबल, यानी हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, अब इस वेरिएबल के साथ हम देखें तो कौन सा नंबर अटैच है, माइनस वन अटैच है। ओके, ये जो वेरिएबल है इसके साथ हमारा माइनस वन क्या है, अटैच है। अब हमें इस माइनस वन को हटाना है। अब हम इस माइनस वन को कैसे हटाएंगे, सो जो हमने सबसे पहला वाला मेथड देखा था कि एड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड और मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, अब हमें सेम नंबर यानी जो नंबर वेरिएबल के साथ अटैच होगा उसी नंबर को एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होगा दोनों साइड में, यानी LHS साइड में भी और RHS साइड में भी। तो सबसे पहले अगर हम नंबर देखें तो हमारे पास दे रखा है माइनस वन। अब माइनस वन जो दे रखा है हमको, तो हमें इतना तो पता है कि हमें यही नंबर लेना है। ओके, बोथ साइड्स में, तो हमें क्या करना है, अभी वन ऑन बोथ साइड्स। अभी मैंने आपको नहीं बताया कि हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड, क्योंकि चार चीजें हैं, चारों में से कोई हमें एक चीज करनी है। अब यहां पर एक्स माइनस वन, वन इक्वल्स टू जीरो और वन, मैंने ऐसे लिख दी। अब यहां पर अगर प्लस है तो माइनस करोगे, अगर माइनस है तो प्लस करोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड का हम आगे देखेंगे, अभी सिर्फ प्लस माइनस का समझो। अब यहाँ पे कौन सा हमें साइन दे रखा है, माइनस का, सो ऑपोजिट साइन का आपने यूज करना है। सो माइनस का साइन आपको दे रखा है तो आप कौन सा साइन यूज करोगे, ऐड का, यानी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दोनों साइड क्या कर दिया, ऐड लगा दिया, ऐड का साइन लगा दिया। अब एक बार फिर से देखो, x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो हमें क्वेश्चन दे रखा था, हमें इसमें क्या करना है, वेरिएबल को सेपरेट करना है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हमें सबसे पहले देखना है कि वेरिएबल के साथ नंबर कौन सा अटैच है, तो जो भी नंबर अटैच है वही हमें दोनों साइड में लिखना है, LHS साइड में भी और RHS साइड में भी। देखो जैसे यहाँ पे x माइनस वन था, ये रहा x माइनस वन, इसके साथ हमने वन को अटैच करा, जीरो के साथ भी हमने वन को ही अटैच करा, सेम नंबर ही अटैच करोगे, वो नंबर कौन सा होगा, जो वेरिएबल के साथ अटैच होगा वही नंबर। अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो आपको ऐड करना है, ऐड का साइन होता तो माइनस, यानी ऑपोजिट साइन का आपने इसमें यूज करना है। अब मैंने क्या करा यहाँ पे, अब देखो मेरे को एक्स को क्या करना है, सेपरेट करना था। अब मैंने यहाँ पे प्लस का साइन ही क्यों लिया, माइनस का क्यों नहीं लिया, इफ मैं यहाँ पे अगर माइनस का साइन ले लेती तो मैं यहाँ पे माइनस अगर लेती, ठीक है चलो अभी इसको हटाते हैं एक बार, अगर मैं यहाँ पे माइनस लेती और यहाँ पे भी मैं माइनस लेती, ठीक है, तो क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो यहाँ पे हमारे साथ क्या आ जाता, एक्स माइनस टू हो जाता, तो वेरिएबल सेपरेट हुआ नहीं हुआ, तो इसीलिए हमने यहाँ लिया है दोनों साइड पे प्लस। और हमेशा नंबर भी और साइन भी दोनों साइड पे सेम लेना है, ऐसे नहीं कि यहाँ पे आपने प्लस लिख लिया तो यहाँ पे माइनस का साइन लिख रहा है, ऐसा नहीं करोगे, दोनों साइड सेम नंबर, दोनों साइड सेम साइन। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, अब हमने यहाँ पे प्लस का ले लिया, क्यों, क्योंकि हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है। अब यहाँ पे वेरिएबल कैसे सेपरेट हो जाएगा, एक माइनस का और एक प्लस का, तो माइनस प्लस
माइनस वन में से वन कैंसिल तो जीरो। अब यहाँ पे एक्स हमारा एक्स आ गया, इसकी वाली पूरी वैल्यू जीरो हो गई, जीरो प्लस वन वन, सिंपल। कितना सिंपल था, अब देखो हमारे वन से वन कैंसिल हो गया, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है तो वन से वन कैंसिल हो गया। अब एक्स का हमारे पास एक्स सेपरेट आ गया, और जो हमारे पास यहाँ पे था जीरो में वन ऐड करेंगे तो वन आ गया। सो इसका जो बी पार्ट है वो हमें बोल रहा है एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या देखना है, वेरिएबल के साथ कौन सा नंबर अटैच है। ओके, सो हमने देखा कि हमारा जो वेरिएबल है एक्स, उसके साथ नंबर जो अटैच है वो है वन। अब हमें पता चल गया बोथ साइड्स हमें क्या लेना है, वन लेना है। अब साइन कौन सा लेना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो मैंने बोला था हमेशा ऑपोजिट साइन लोगे, तो प्लस का साइन है तो क्या लोगे अब, माइनस। तो अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट वन ऑन बोथ साइड्स। ओके, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वन को बोथ साइड्स, तो एक्स का एक्स सेम जो लिखी होगी वैल्यू आपको वो उतारनी है, सब्ट्रैक्ट वन करना, तो सब्ट्रैक्ट वन करेंगे बोथ साइड्स में। अब प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए कैंसिल, एक्स इक्वल्स टू, अब यहाँ पे जीरो माइनस वन है, सो जीरो माइनस वन है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस वन। माइनस को हमेशा लिखा करिए, तो वन कर देंगे, माइनस के साइन को नहीं लेंगे तो उनका जो आंसर होगा वो गलत आएगा, तो हमें इसके साइन को हमेशा जरूर कंसिडर करना। अब इसका सी पार्ट हम देखते हैं। सो हमें सी पार्ट दे रखा है एक्स माइनस वन इक्वल्स टू फाइव। अब वेरिएबल के साथ जो नंबर अटैच है सबसे पहले वो, यानी बोथ साइड से हमें वन लेना है, माइनस का साइन है तो माइनस के साइन का ऑपोजिट साइन क्या होगा, प्लस। सो हमें क्या करना है, एड वन ऑन बोथ साइड्स। ओके, सबसे पहले अपने माइंड में हमेशा स्टेप्स को ध्यान में रखिए कि सबसे पहले हमें देखना है नंबर कौन सा अटैच है वेरिएबल के साथ और उसका साइन कौन सा है। तो जो नंबर अटैच होगा वही आपको दोनों साइड्स में लिखना है, और जो साइन होगा आपको दे रखा उसका ऑपोजिट साइन आपको लेना है, ठीक है, ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। अब यहाँ पे एक्स जो वैल्यू है हम वो पूरी लिख देंगे, एक्स माइनस वन इक्वल्स टू फाइव। अब बोथ साइड्स में क्या ऐड करना है, वन को, तो हम बोथ साइड्स क्या ले लेंगे, प्लस वन। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस और एक प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस, सो वन से वन कैंसिल हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, फाइव प्लस वन इक्वल्स टू सिक्स। सो एक्स हमारे इधर कितना आ गया, सिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है इसका डी पार्ट, एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू टू। अब वेरिएबल के साथ जो नंबर अटैच है क्या है, सिक्स। अब सिक्स है तो हम क्या लेंगे, सिक्स ही लेंगे। तो ऐसा नहीं देखना कि सिक्स तो बहुत बड़ा नंबर है, तो अब क्या होगा, अभी तक तो हमने वन के करे थे, कुछ नहीं, सिंपल से इजी स्टेप्स हैं, बस वही फॉलो करो, नंबर जो अटैच है उसको लिख लो। सो क्या करना है, हमें यहाँ पे प्लस का है तो माइनस का लेंगे अब, तो सब्ट्रैक्ट सिक्स ऑन बोथ साइड्स। ओके, सब्ट्रैक्ट करेंगे अब हम सिक्स को बोथ साइड से। अब जो वैल्यूज है जहां पे वहां पे लिख दो, एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू टू। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है सिक्स बोथ साइड, तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस सिक्स, यहाँ पे भी लिख लेंगे माइनस सिक्स। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस, तो सिक्स से सिक्स कैंसिल हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, टू माइनस सिक्स कितना होगा, माइनस करना है तो सिक्स में से टू को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा फोर, और बड़ी साइन बड़ी डिजिट कौन सी इसमें हमारे पास, सिक्स, और सिक्स के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो इसलिए यहां पे लिख देंगे हम माइनस फोर। ओके, हमेशा हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी बड़े नंबर के साथ हमारा साइन प्रेजेंट होगा आपको आंसर में वो जरूर लगाना है। ओके, नाउ अब हम इसका देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब हमें ई पार्ट दे रखा है
y माइनस फोर इक्वल्स टू माइनस सेवन. अब y, अब इसमें हमारे पास वेरिएबल y, अभी तक हमने x वेरिएबल देखा था, अब हमारे पास वेरिएबल क्या है y, कोई प्रॉब्लम नहीं है, y भी क्या है वेरिएबल ही है हमारे पास. अब y के साथ नंबर कौन सा अटैच है, फोर. ओके सो फोर किस में है, माइनस में, तो अब हम क्या लेंगे, एड करेंगे फोर को बोथ साइड्स, एड फोर ऑन बोथ साइड्स. ओके तो y माइनस फोर इक्वल्स टू माइनस सेवन, और एड करना हमें फोर, तो हम दोनों साइड फोर को एड कर देंगे. अब माइनस फोर प्लस कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, सो फोर से फोर कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, सेवन में से हम फोर को माइनस करेंगे तो थ्री. अब दोनों में से बड़ी डिजिट कौन सी है, सेवन, और सेवन के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे कैसा साइन लग जाएगा, माइनस. नेक्स्ट एफ पार्ट हमें दे रखा है वाई माइनस फोर इक्वल्स टू फोर. अब सेम एड करेंगे, एड फोर ऑन बोथ साइड्स, तो y माइनस फोर प्लस फोर और फोर प्लस फोर. ओके ये वैल्यू यहां पे थी, इसको हमने यही लिखा है, उसमें फोर ऐड कर दिया, दूसरी साइड पे हमने फोर ऐड कर दिया. अब माइनस प्लस माइनस, सो फोर से फोर कैंसिल हो गया, y कितना आ गया हमारे पास, फोर और फोर एट, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, एट. नेक्स्ट जब हमें जी पार्ट में क्या क्वेश्चन दिया है, y प्लस फोर इक्वल्स टू फोर. अब प्लस फोर है तो कौन सा लेंगे, माइनस फोर, सो यानी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट फोर ऑन बोथ साइड्स, सो y प्लस फोर माइनस फोर इक्वल्स टू फोर माइनस फोर. ओके तो माइनस फोर हमने बोथ साइड्स क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए. अब प्लस माइनस माइनस, तो फोर से फोर कैंसिल, वाई कितना आ गया, फोर में से फोर माइनस करने, सो जीरो, फोर में से फोर चला जाएगा तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा. नेक्स्ट एच पार्ट क्या दे रखा है इसका, वाई प्लस फोर इक्वल्स टू माइनस फोर. अब प्लस फोर दे रखा है, जो नंबर वेरिएबल के साथ अटैच है वो है हमारे पास प्लस फोर, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट फोर ऑन बोथ साइड्स, तो y प्लस फोर माइनस फोर इक्वल्स टू माइनस फोर माइनस फोर. ओके सो माइनस फोर हमने अब दोनों तरफ कर दिया. अब प्लस माइनस माइनस, सो फोर से फोर कैंसिल, तो y जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू कितनी निकाल दी, माइनस माइनस प्लस, तो फोर और फोर एट, माइनस का एट. ओके क्योंकि दोनों तरफ माइनस है तो माइनस एट आ जाएगा. सो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है. होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो और आपको समझ आई हो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड प्रेस द बेल आइकन, सो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले वीडियोज की. थैंक यू सो मच.